सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेरे चैनल ते तुहाडा स्वागत है जी। मेरे चैनल ते नवें हो तां प्लीज़ सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करिया करो, नाले कमेंट करके दस्सिओ वीडियो किवें दी लगी। अज आपां तुहाडे नाल वीडियो शेयर करांगे जी पंजीरी बनाउण दी। इह मैं कड़ाही जी गर्म पानी नाल धो लई है, चंगी तरह चुल्हे च मचा ली अग। चलो जी हुण मैं कड़ाही चुल्हे दे उपर धर दित्ती है। हुण आपां पावांगे इहदे विच घिओ। इह घिओ जी अपना घर दा बनाया होया गा, ते एक किलो घिओ आपां घरों पावांगे, 2 किलो आपां लिआंदा सैरों। इह घिओ घर दा बनाया करके फ्रिज च पिआ सी जी, इहनूं आपां गर्म करके हौली हौली कढ़ांगे। इहनूं गर्म पाणी दे विच रखिआ सी गड़बे नूं, थोड़ा थोड़ा इह हो गया। हुण इहनूं आपां इस तरह खुरचणे नाल कट के कढ लवांगे सारा जी। ये जे गर्म करांगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता जी, फिर अपनी कढ़ाही की जिहड़ी वह मच जाती थल्लों। 3 किलो घिओ है जी है अपना, 2 किलो आपां सैर चो लिआंदा सनामो, 1 किलो आपां ने घरे बना लिया सी वह पिया सी जी। फिर हुण सर्दी का टाइम है जी, आपां सारा घर पाउने आ तां सब्जी सुब्जी च पाउण दा भी औखा हो जांदा। सर्दियों के विच घिओ साग सूग च भी बहुत ज़्यादा लग जांदा जी। बाकी हुण तुहानूं पता ही है जी, हजे गां आपां ने बेच दित्ती है, मझ नहीं मिली। तो आह देखो जी, आपां जिहड़ा सैर वाला घिओ लिआंदा सी इह डब्बे विच बंद सी, 2 डब्बियां च। इह इस तरह ही बणिआ बणाया डब्बे ही निकलिआ, देखो इस तरह घिओ सीगा इह डब्बियां दे विच बंद। इह घिओ बहुत वधिआ हुंदा सी, हर साल इही घिओ जिहड़ा लिआ के पंजीरी लाउणे हुंदे आ। आए साल ही सर्दियों के विच असी पंजीरी है जी जिहड़ी बना लैने आ, इस बार थोड़ा जिहा लेट हो गए। चलो जी, पिंदर ने डब्बे वाला घिओ कड़ाही दे विच पहलां पा दिता, मैं इत्थों हजे उही नहीं निकलिया, क्यों वह जम्मिया पिया गया। एक सर्दी का टाइम है, उस फ्रिज दे विच पिया सीगा, तां करके इहनूं पट्टण ते जिहड़ा अपना टाइम लग गया। तो हुण इह पाउने आ घिओ आपां। चलो जी, मैं भी कड़बे दे विचों जिहड़ा घिओ है थोड़ा थोड़ा करके हौली हौली सारा कढ लूँगी। एक जी इह घिओ थंदा हैगा, हुण हत्थ भी तिलकणे होए पए ने, गड़बा जिहा हत्थ दे विचों निकल जांदा हैगा। ते बाकी जिहड़ा घिओ कड़ाही दे विच आ उह तों भी डर है वी उपर ना पै जाए, जे इक्के लखते दे विच डला जिहा डिग गया। चलो जी, हुण इहदे विचों सारा घिओ है जिहड़ा अपना निकल गया। हुण इहनूं आपां सारे घिओ नूं चंगी तरह गर्म होण देवांगे। जदों इह सारा घिओ पिघल गया फिर इहदे विच पावांगे आटा। आ देखो जी, मुल दे घिओ दा ते घर दे घिओ दा किन्ना फर्क है। इधर मैं हुण आसाण रही हाँ आटा, इह आपां 3 किलो ही आटा पावांगे जी। इहदे विच 3 किलो घिओ हो गया, इह तकड़ी दे नाल आपां जोक के जिहड़ा आटा पावांगे। जे आपां तकड़ी नाल जोक के नहीं पाउंदे तां पता नहीं लगदा जी, आटे दा वध घट भी हो जांदा। घट दा तां चल सर जांदा जी, जे वध पै जाए फिर वह रुखी जी पंजीरी हो जांदी है, क्योंकि वह घट जांदा हैगा। इस करके मैं तकड़ी नाल ही जोक के आटा जिहड़ा अपना पाऊंगी घिओ दे विच। अज मौसम ठीक सी जी, धुप्प है जिहड़ी वधिया निकली हुई है, तां करके चल आपां पंजीरी है जिहड़ी रला लांगे। ये पंजीरी रलाने होंने जी असी सरदार जी वास्ते, पर खा तो सारे ही लैने, नाम उन्होंने कल्या का ही आता, क्योंकि उन्होंने सेहत आ जी वो बहुत हल्की है। उन्होंने शुरू तो ही गलीट यह जी है जी, असी कोई खाण पीन की उन्होंने कमी नहीं छड़ते, पर उन्होंने किन्ना मर्जी खवा लो उन्होंने सेहत है जी वो उत्थी उन्नी की रहनी है। चलो जी, मैं आटा है जोड़ा वो साण लिया, हूँ इनू मैं तकड़ी के नाल जोखूंगी। अपने को 2 किलो का बट्टा है जिहड़ा वह नहीं हैगा, गुआच गया कितने। यह मैं 1 किलो बट्टा है जिहड़ा इहनूं 3 वार जोक के बस परात च अलग पा लूँगी। तो देखो जी, अपने 1 किलो आटा है जिहड़ा वह जोक लिया, किलो होर जोखांगे, किलो फिर जोखांगे, 3 वार आपां जिहड़ा जोखांगे। ये मैं इहदा कहा सी जी आपां खंड लिआंदी हुई है 3 किलो उसे दे बराबर पा लैंदे आ। इह पिंदर कहिंदा नहीं मैं अलग अलग जोखूंगा। ये हुण जी तकड़ियां दा कम घट रह गया, बच्चियां नूं इन्हां दा चीज़ां दा शौक है जी, आपां नूं तां ये चीज़ां दा पता हुंदा सी पहलां, इन्हां नूं तां देखण नूं मसां वांगू मिलदियां ने इहो जिहियां चीज़ां।
चलो जी 3 किलो आटा है जिहड़ा मैं ये तैयार कर लिया, साण के जोख भी लिया, इहदा वेट कर लिया। चलो जी हुण अपना घिओ है जिहड़ा उधर वह भी गर्म हो गया, ते आपां तकड़ी नूं रख दांगे एक साइड। इहदे विच घिओ देखो जी अजे भी थोड़ा जिहा पिआ है, ये हौली हौली गर्म हुंदा है जी क्यों फ्रिज दे विच्चों कढ़िया गया है, ठंडा सीगा घिओ। चलो जी हुण आपां जदों अपना घिओ है ये खुर गया फिर इहदे विच पावांगे आटा। की करेंगी पहले मैं दाखा देंगी रहने बिल्ली है। देखो जी जिहड़ा आटा अपना ये ब्राउन हो गया भुज गया, इन बस आप थोड़ा जिहा सेक होर लवावे। पिंदर नूं होई पई है काली, ये जी तुसीं हर एक वीडियो दे विच देखदे हो, ये हुण स्कूल तो बिल है, इहनूं कोई टेंशन नहीं हैगी जां स्कूल जाण दी जां कम करन दी। ये जिहड़ा मैं कम करा हरेक कम दे विच ये साडे दे विच फसदा हैगा। हुण ये कहिंदा मैं खुरचना फेरना हैगा आटे दे विच। चलो जी हुण बैठ गया कुर्सी ते, पर ये एक दो मिनट ही लाउंदा हुंदा, हुण तां इहनूं खाण दी काहल हैगी तां ये लवे बैठा हैगा साडे। कोई तो सारा समान लिया कुछ कट लिया होंगे ने चलो जी जिहड़ा आटा है अपना भुज के जमा तैयार हो गया, हुण इहनूं आपां उतारांगे नीचे। ये मैं इधर चुल्हे तो एक साइड खुली जगह च ला लई है कड़ाही, हुण आपां इहदे विच पावांगे समान जिहड़ा मैं कुट के रख्या होया। पहलां इहदे गर्म गर्म च पावांगे जी आपां गूंद, ते हुण तां जी वैसे कई गूंद है जिहड़ी उह अड भुन के लोंडे दे विच फिर उहनूं बरीक कुट के पाउंदे ने, पर मैं ये थोड़ी जी बरीक ही थी थोड़ी जी होर कुट दिती है। इहनूं आपां गर्म गर्म पंजीरी दे विच पावांगे, इह इस तरह ही इहदे विच फुल के जिहड़ी उह हो जूगी। असीं कदे नहीं अलग भुन के पाई, इस तरह ही पाउने हुंने आ जी। इहनूं आपां गूंद नूं इहदे विच पा के हुण चंगी तरह जिहड़ा रलावांगे, मिक्स कर दांगे इहदे घिओ ते आटे दे विच पंजीरी दे। फिर इहदे विच मैं होर समान भी है जिहड़ा कुट रख्या हैगा वो भी पाऊंगी। चलो जी हुण मैं ये कुछ कुटे हुए ने काजू जिहड़ा समान लिया इसी सरदार जी नाल नाल पंजीरी दा कह के, नाले बादाम ने जिहड़े वह भी मैं कुंडे दे विच कुट लए ने।
ਇਹ ਮੈਂ ਜੂਸਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਗਜ਼, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਰਕਸ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਖਸਖਸ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਖਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਦਾਖਾਂ। ਦੇਖੀਏ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਭੀ ਉਸਮੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਮਰ ਕੈਸ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਵਣ ਬਰੱਸ਼ ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੰਡ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ ਖੰਡ, ਰਖਾ ਜੀ ਮਿਲ ਲਾ ਰਾਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। 3 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ, ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।